भारत में लॉकडाउन के बाद मजदूर वर्ग के लोग अपने घर और गांव लौटते दिखे, जिसके बाद सिर्फ रविवार और सोमवार को 40,000 से ज्यादा लोग दिल्ली से बाहर पहुंचे। उन्हें जांच के बाद 350 बसों से उनके गांव के क्वारंटीन सेंटर तक पहुंचाया गया। अब इन्हें इन क्वारंटीन सेंटर में 14 दिन तक रखना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। संबंधित प्रखंड के BDO, मुखिया, सरपंच और पंच समेत अन्य सरकारी कर्मी इन लोगों की देखरेख कर रहे हैं। वहीं संबंधित जिला पदाधिकारी सीमा आपदा राहत केंद्रों में लोगों की स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य जांच की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। शहरों में चलाए जा रहे 120 आपदा राहत केंद्रों में सोमवार को 7,170 लोगों को भोजन कराया गया। 10 मार्च के बाद विदेश और अन्य राज्यों से बिहार लौटे यात्रियों का डेटाबेस तैयार कर उनकी ट्रैकिंग शुरू कर दी गई है। आदेश का उल्लंघन करने पर 76 FIR और 1,761 वाहनों पर कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 16 हो गई है, जबकि कोरोना संक्रमित एक लोग की मौत हो चुकी है। कोरोना के चलते नीतीश सरकार ने पूरे राज्य में सख्ती से लॉकडाउन करवाने का प्रशासन को आदेश दे रखा है, जिसके चलते दूसरे राज्यों से बिहार लौट रहे लोगों को अलग अलग जगह पर रखकर सबकी जांच कराई जा रही है। न्यूज डेस्क।